उत्तर प्रदेश की राजनीति बाहुबलियों के खास दबदबे के साथ चलती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यानी कुंडा के गुंडा का नाम ना लिया जाए तो राजनीति खत्म हो जाएगी। उनका नाम शुमार है इन सभी राजनीतियों में और हाल ही में उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में अपनी पार्टी का गठन करके अलग हुए हैं राजा भैया और उनके खिलाफ प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। राजा भैया को 6 मई को प्रतापगढ़ में होने जा रहे 5वें चरण के मतदान के दौरान नजरबंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक रघुराज प्रताप सिंह कुंडा विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं और उनकी छवि एक नेता के रूप में है और एक बाहुबली के रूप में ज्यादा है। इसलिए राजा भैया के अलावा ऐसे और भी अन्य लोग हैं जिन पर नजरबंद किया गया है, जिन पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने ये बड़ा कड़ा फैसला लिया है। राजा भैया के साथ साथ बाबागंज विधायक विनोद सरोज, सपा नेता गुलशन यादव, सपा जिला अध्यक्ष शविनाथ यादव पर भी एक्शन लिया गया है। ये सभी नेता सिर्फ वोट देने तक जा सकते हैं। राजा भैया समेत कुंडा के 8 प्रभावशाली नेताओं को शांति फैलाने की आशंका के कारण चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।